नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। स्वर्ण का सामूहिक शादी विवाह 20 नवंबर 2019 को समापन हुआ। वहीं पर राजस्थान जोधपुर में लगातार स्वर्णकार युवा क्रांति मंच एवं नारी शक्ति का भव्य शादी विवाह का मंचन किया गया। स्वर्णकार सामूहिक विवाह में दूर दराज से युवा युवतियाँ को शादी भव्य स्वागत के साथ यह देखा गया। आगे की रिपोर्टिंग देखिए जोधपुर राजस्थान से। नवंबर को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का लगातार जो है बढ़ता रहा और 20 नवंबर को जो है समाप्ति रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्णकार युवा क्रांति लगातार नारी शक्ति युवा युवतियों को शादी विवाह के लिए या सामाजिक संगठन काम करती रही है और लगातार जो है समाज को एक नई दिशा, नई उमंगता और एक साथ बनकर आगे बढ़ने के लिए भी संदेश देता रहा। यह संदेश भारत में विभिन्न जगह से स्वर्णकार युवा क्रांति की तरफ से विभिन्न तरह के लोग यहां पर सम्मिलित हुए। शादी विवाह में पवित्र बंधन में बंधकर आगे की रिपोर्ट देखते हैं। ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, आप सभी की इसमें भागीदारी हो रही है, आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। और युवा क्रांति मंच छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ नाम बोल दे सभी जोड़ों को गिलास कटोरी और थाल से 25 सभी जोड़ों को छत्तीसगढ़ युवा क्रांति मंच की ओर से प्रदान किए जा रहे हैं। सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जोड़ा नंबर 4 तैयार रहे और किशनलाल सुपुत्र श्री गिरि प्रसाद जी जोधपुर संघ वधु एकता सुपुत्र श्री विष्णु जी भाई सभी यहाँ आप इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं, सभी भागीदार बन रहे हैं। जो भी वर वधु यहाँ आए, वरमाला है, आप ताली। स्वर्णकार युवा क्रांति मंच की शक्ति और विशाल सामूहिक विवाह में दूल्हे दुल्हन को विभिन्न तरह से सामान देकर या विदाई किया गया। नई दिशा, नए निर्माण का कार्य करते हुए दूल्हे और दुल्हन को खुशियों से झूम उठे। समाज को एकता और अखंडता को कंधों से कंधा मिलाकर नई दिशा का निर्माण कर रहा है यह समाज। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, तो आप जो है पेड़ लगाइए, देश बचाइए, बेटी को अपने जरूर पढ़ाइए, जो भी हो अपने बच्चियों को जरूर पढ़ाइए, विकास स्तर के तरफ ले। जय हिंद, जय जय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।